बेहतर सेवा का वादा करने वाले विद्युत कंपनी केडीएल की बरसात से पूर्व की गई तैयारियों की हल्की सी बरसात में ही पोल खोलती नजर आ रही है। बुधवार शाम को शहर में हुई बरसात के बाद नए कोटा क्षेत्र में महावीर नगर, सुभाष नगर सहित आधा दर्जन से अधिक इलाकों में शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक बिजली गुल रही। ऐसी भीषण गर्मी में अचानक बिजली के चले जाने से आम जनता परेशान होती रही और टोल फ्री नंबर पर एक के बाद एक शिकायत की गई, लेकिन विद्युत कंपनी की ओर से कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। और कुछ समय बाद तो पता चला कि जिस नंबर पर शिकायत दर्ज करवाई थी वहां पे कंप्लेंट शॉर्ट आउट होने की जानकारी मिली है। पत्रकार कॉलोनी में रहने वाले एडवोकेट जगदीश शर्मा ने बताया कि उनके क्षेत्र में बुधवार शाम को 7 बजे बिजली चली गई थी। उसके बाद उनके द्वारा 2 बार कंप्लेंट की गई है। वही पहले तो शुरुआत में समस्या समाधान का आश्वासन देते रहे, कुछ समय बाद पता चला कि समस्या का समाधान कर दिया गया है लेकिन उसकी तरफ बिजली नहीं आई है। कई बार शिकायत के बावजूद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। सुबह उनके द्वारा ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को फोन करके सारे मामले से अवगत करवाया गया। एडवोकेट जगदीश शर्मा का कहना है कि उन्होंने विद्युत कंपनी के सीईओ शांतनु भट्टाचार्य को भी पूर्वी कंप्लेंट और उनके द्वारा जितने कॉल किए गए हैं उनके सारे डिटेल डाली गई है, तब कहीं जाकर सुबह 8 बजे उनको बिजली उपलब्ध हुई है। ऐसे में रात भर गर्मी में पूरा क्षेत्र परेशान होता रहा। तो रोटेशन सिस्टम यानी जो हमारे सिस्टम में जो दिक्कत आ रही थी उपलब्धता की यानी कैपेसिटी की ट्रांसमिशन कंपनी की तरफ से, वो दूर होने की संभावना है कि इसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई है। बरसात एक तो मौसम की वजह से भी है और दूसरे क्या है कि हमारा जो छवड़ा जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ पर एक ICT होती है, उसमें थोड़ा सा वो आउट ऑफ सर्किट हो गया था। जो आज उसका मेंटेनेंस चल रहा था जो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो लोड मैनेजमेंट की वजह से कुछ जगह बिजली की समस्या पैदा हुई है, वो आज कंप्लीट हो जाएगी और आगे से मेरे हिसाब से इसकी कोई समस्या पैदा नहीं होगी क्योंकि हमने लाइनों की मेंटेनेंस पहले पूर्व में ही करा ली है। और फिर भी अगर कहीं पे कोई हमें सूचना मिलती है तो उसकी भी कराते हैं जल्दी से। तो हमारा ध्येय यह है कि कम से कम 23 घंटे 24 में से 23 साढ़े 23 पूरे 24 हम तो ट्रिपिंग फ्री बिजली देना चाहते हैं।